नमस्ते, मैं समर बी द क्रिएटर बोनसाई गार्डनिंग चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या आप आपके गुलाब, गुड़हल और नींबू आदि पेड़ों पर स्केल इंसेक्ट को लेकर परेशान है? कोई भी इलाज इन पर असर नहीं कर रहा है? तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और इस खतरनाक इंसेक्ट से अपने पेड़ों को बचाएं। ये स्केल खुद को एक खोल के अंदर छुपा के रखते हैं। कोई भी इंसेक्टिसाइड्स इस पर कोई काम नहीं करता है। पेड़ों के शाखाओं और पत्तों के ऊपर जो चिपक के रहते हैं वो असल में मादा होते हैं और नर जो होते हैं वो चल फिर सकते हैं। कोई कोई स्पीशीज का तो नर उड़ भी सकते हैं, छोटे छोटे मक्खियों जैसे। अभी तक 8000 स्पीशीज पाए गए हैं स्केल इंसेक्ट की। कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी है जो स्केल इंसेक्ट को खा जाते हैं, जिसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं। आप इनका संरक्षण का ध्यान दीजिए, जैसे कि पैरासाइटॉइड और पैरासाइटिक वास्प। लगातार इंटरनेट पर रिसर्च करके मैं इसका एक समाधान निकाला, जिसके प्रयोग से मेरे गुलाब के पेड़ मौत के द्वार से लौटकर फिर से जीवित हो उठा। चलिए प्रयोग से लेके परिणाम तक संक्षिप्त एक निवेदन हाजिर है आपके लिए। गौर से देखिए इस गुलाब के पेड़ को। 3 साल पुराना पेड़ है, बहुत ही अच्छा स्पीशीज का है ये। फूलों का आकार, रंग और आयु सब कुछ बढ़िया है। स्केल अटैक के चलते धीरे धीरे ये निश्चित मौत के तरफ चल रही है। स्केल बार्क के ऊपर जो छेद करके इसका रस चूस कर खाते हैं, उसी घाव में फंगस भी आराम से अटैक कर लेता है। स्केल को खत्म ना किया जाए तो ये पेड़ को ही खत्म कर देगा। बचे कुचे जो पत्ते हैं वो भी मैच्योर होने से पहले सूख जा रहा है। कोई नए बर्ड्स निकलने से पहले ही डाई बैक हो जा रहा है। एक ही ब्रांच सरवाइव कर रहा है जो डाई बैक हो रहा है। अभी तो इसे स्केल से मुक्त करना ही है, नहीं तो पेड़ को आंखों के सामने मरते देखना है। मैं आधा लीटर पानी के साथ मिला रहा हूं 10 ml सरसों का तेल। आप कोई भी तेल ले सकते हैं। तेल पानी में घोलता नहीं है, ऐसे पानी के ऊपर तैरता रहता है। ऐसे में स्प्रे करने से सिर्फ पानी ही स्प्रेयर से बाहर निकलेगा, तो इसे घोलना जरूरी है। और तेल को पानी के साथ घोलने के लिए मिलाऊंगा लिक्विड सोप। आप कोई भी सोप, शैम्पू या डिश वॉश मिला सकते हैं। देखिए तेल अभी भी पानी के ऊपर तैर रहा है। तो इसमें और थोड़ा सोप मिलाना होगा। अब देखिए तेल लगभग घुल चुका है। अब स्प्रेयर को बंद करके अच्छी तरह से इसे हिलाना होगा, जिससे तेल पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगा। अब पूरा पेड़ को चारों तरफ से मैं इस घोल से नहला दूंगा और इस प्रक्रिया को 7 दिन में एक बार दोहराता रहूंगा।
दो दफा प्रयोग के बाद देखिए कुछ हद तक सुधार हुआ है। और चौथे दफा प्रयोग के बाद नए बार्ड्स भी निकल आए हैं। मैं चार दफा प्रयोग के बाद आगे और प्रयोग नहीं किया, चार दफा ही मुझे काफी लगा। और देखिए अभी इस गुलाब के पेड़ पर फिर से जान आ गया है। लेकिन यहां फंगल अटैक साफ नजर आ रहा है। फंगस को तो एंटीफंगल के सहारे ठीक किया जाएगा। देखिए नए बार्ड भी आ गया और ये देखिए स्केल्स जो मर चुके हैं ये भी कैसे चिपके हुए हैं, जो हल्के हाथों से थोड़ा रगड़ने से ही निकल रहा है। स्केल जिस खोल में खुद को छुपाते हैं तेल के प्रयोग से वो उसी खोल के अंदर चारों तरफ से बंदी बन जाते हैं। खोल के अंदर वेंटिलेशन बंद हो जाते हैं और इसीलिए सफोकेशन के वजह से स्केल मर जाते हैं। इस एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।